हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग सनी पाजी ब्लॉग। क्या हाल चाल है आपका? ठीक हो? बस बढ़िया हो, बढ़िया ही रहो। आज फिर एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। बस अब रेडी होकर निकल रहा हूँ, मुझे पहले साइट पे जाना है। साइट पे फिर हमारी सबकी आज मीटिंग है, वहाँ पे क्या काम करना है, कैसे करना है। तो हमारी कीमा भी सो के उठी है, ठीक है। फिर शाम को राउंड मिलेगा आपको। अभी बात गर्मी बहुत है ना, तो मैंने तो बोला इसको, मैं गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बाहर जाने का बिल्कुल फायदा नहीं, गाड़ी पूरी गर्म होती है, बच्चा बेचारा कहाँ परेशान होगा। कि मैं शाम को आपको राउंड मिलता है, झूठ मत बोलो। कल बाइक पे मिला था राउंड आपको, सबने देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। देखा बच्चे बोलते आप देते नहीं हो कुछ। क्या करता हूँ? हाँ तो मैं रोज देता हूँ, आज भी दूंगा ना। तो बस आज को राउंड दूंगा, शाम को आके ये फाइनल है। क्या बनाया रोटी में, पैक किया? पापा के लिए टीम ले आए। क्या गंदला बनाते रहते हो, देखो। क्या गंदला था तो है। अच्छा चलो शाम को मांगे जाना फिर। आज नहीं, कल देखते हैं। क्यों बोल रहे थे आप? या फिर वहाँ दिल्ली जाना पड़ेगा ना कल। तो आ जाओ, ऊपर करा दूंगा आपकी। नहीं, कल आपके साथ ही निकलोगे। चलो तो मैं बस अभी साइड पे जा रहा हूँ, वहाँ इसलिए सबकी मीटिंग होनी है। वहाँ पे जो लास्ट हमारा फोर्थ पाँचवा लेंटर जो है वो उम्मीद है कि इसी हफ्ते डल जाएगा, तो वो उसी के लिए प्लानिंग करने जा रहे हैं सारी, कैसे करना है क्या करना है, क्योंकि काम अब खींच रहा है। तो उम्मीद है, मान के चल रहा हूँ, 8-10 महीने में सारा टोटल रेडी हो जाएगा। तो बड़ा बढ़िया फ्लोर बना रहा हूँ, बहुत शानदार बन रहा है। तो बाकी आप सब लोग भी कहते होंगे कि मैं कैसी वीडियो बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो यार प्रॉब्लम ये आ रही है ना, एक्चुअली गर्मी इतनी ज़्यादा है, कहीं बाहर जाने का मेरा मन ही नहीं करता। और मेरे को सर्दी जितनी मर्जी बर्दाश्त करवा लो, मुझे बर्दाश्त हो जाती है, उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो क्या वीडियो बनाऊं बाहर जाके, अंदर भी क्या बनाऊं। आप भी कहते हो पता नहीं क्या बेकार बेकार सी वीडियो बना रहा है, कैसे कर रहा है। फिर भी कोशिश कर रहा हूं बनाने की। आप लोगों भाइयों का इतना मुझे प्यार मिला है ना, मैं क्या बताऊं। मतलब इतनी जल्दी मेरे इतने अच्छा फैमिली बड़ी हो गई है, तो वो अच्छा लगता है। बाकी गाना गाने का भी ऑलमोस्ट एडिटिंग जो है 50% करीब हो चुकी है, तो वो भी 2-4 दिन में मेरे को फर्स्ट कट आ जाएगा उसका, वो फाइनल करके देख के। उम्मीद है 14 जून को पापा का बर्थडे है, तो पापा के बर्थडे वाले दिन वीडियो आउट हो जाएगी हमारी, गाना आउट हो जाएगा। तो बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी। आपको मैंने पहले ही बताया ही था कि आप लोगों को गाना अच्छा लगेगा तब आप आगे उसको फॉरवर्ड करना अपने फ्रेंड्स को। ऐसे मैं नहीं कहूँगा आपको, पर मेरे को लगता है आपको गाना अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी रियल जिंदगी के ऊपर। और ठीक है, बहुत बढ़िया स्पीड देख लो भाई। मजाक कर रहा हूँ भाई, दोस्त है, पुराना भाई है, मजाक कर सकता हूँ मैं। तो किमा को मैं अभी राउंड दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी बाहर से आऊँ, गाड़ी ठंडी है, तो मैं कहा इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है राउंड देने में ना। किमा मजा आ रहा है आपको? क्या मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है बता तो दो। अरे बताओ तो सही। तो फिर क्या चल रही है, फिर आपकी प्लानिंग क्या है? अरे मेरी कोई प्लानिंग नहीं, मैं घर पे ही हूँ। मेरे कबर की हालत इतनी बुरी हुई, आपने करी है ना। और नहीं था जी, बाकी सेट करने का क्या दोगे? सेट करने का मैं ले लेना 5-7 रुपए। चले चलो, और क्या कर लो। अरे 5-7 रुपए, 6 रुपए तो धोबी लेती है एक कपड़ा। हाँ तो मैं 7 रुपए कपड़ा दे रहा हूँ, 1 रुपए फालतू दे रहा हूँ। कम से कम 100 रुपए कपड़ा तो दो। मैं भैया ड्राई क्लीन नहीं करानी, जाके ड्राई क्लीन कराऊंगा। अच्छा, साफ धुल के ही रखे, साफ सुथरे रखे। हाँ सही बात है। अच्छा मेरे को एक याद आया कि कोई ऐसे मेरे को बोला था किसी ने कि लाइक हम जो वो गाना कर रहे हैं, गाना निकाल रहे हैं, तो बंदा देखो बुद्धू कितना बड़ा टिफिन लेके जा रहा है। देखो बंदा इतना बड़ा टिफिन, ये साइज देख लो टिफिन का। क्या गाना क्या कह रहे हो बताओ? मैं कह रही हूँ गाना कह रहे थे निकाल रहे हैं, बट फॉलोअर्स बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ। तो बट मैं ये बात बोल दूँ कि हमारा जो गाना लॉन्च होना है वो कोई फॉलो मतलब इसके रिलेटेड नहीं है कि हमारे 26K है या 50K है या 1 लाख। एक्चुअली इनका मूड तब से बना हुआ है गाना निकालने का जब से गुरु ने अपना फर्स्ट सॉन्ग निकाला था। उसके बाद उसने कोविड के टाइम पे 30 डेज चैलेंज किया था, आई थिंक कोविड के टाइम या उसके पहले 30 डेज चैलेंज। तो 30 डे 30 सॉन्ग, तभी इन्होंने उसको बोला था कि यार गुरु मेरे पे भी ये गाना करते हैं। तो क्या उसने मजाक में ले लिया था। फिर ईशु की शादी भी हुई, फिर ये पीछे पड़ गए। गुरु चलना गाना तब तो यूट्यूबिंग तो दूर दूर तक था भी नहीं, तो जस्ट अभी इनको फिर और एक बार क्लिक हो गया कि यार अभी निकाल लेता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं सोशल प्लेटफॉर्म तो है ही है, चल निकाल लेता हूँ। तो इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद फॉलोअर्स, मतलब कि इतने नंबर है तो हम करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो 26 इज नॉट दैट बिग नंबर, बट हमारे लिए इट्स बिग।
अगर आप क्योंकि फैमिली वो भी आप लोगों का प्यार मिला इसलिए सी बिकॉज फैमिली है, फैमिली अगर पांच लोग की हो या पांच लाख की हो, फैमिली तो फैमिली है ना, तो इट डजंट मैटर कि हम पांच लोगों के लिए निकाले या पांच लाख लोगों के लिए, तो मैं वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती थी कि इट्स नथिंग टू डू विद इतने नंबर है तो हम निकाल रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है इनका, ये सॉर्ट ऑफ कह लो एक ड्रीम, एक विश थी कि मैं करूँ गुरु के साथ, तो अब यूट्यूब आ गया तो एक काइंड ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म मिल गया कि चलो थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप लोग सपोर्ट कर दो भाई को, और कुछ नहीं मैं मांग रहा आपसे, मैं छोटी चीज मांग रहा हूँ, आप लोग चार को करोगे चार आगे 40 को करेंगे, 40 आगे 400 को करेंगे, तो थोड़ा मेरे को भी अच्छा लगेगा प्लीज। चलो आ गया घरा उतरो, ठीक है, बाय की माँ, बाय बाय, चलो शाम को मिलेंगे, चलो दादा धूप में खड़े हो, उतरो जल्दी, चलो उतरो दादा धूप में, गर्मी की मैं दादा धूप में खड़े हैं बाहर, चलो हो गया, चलो अभी बस किया ना, चलो यार अब हो गया ना कीमा, मेरे दादा गर्मी में खड़े हैं, उतरो कीमा यार, चलो क्या किया अंकल जी ने, देख देख रहा है सारा पानी मेरे ऊपर, ये मुंह तक पानी आया मेरे, देखो भाई गर्मी है पानी आ गया, ऐसे करेंगे क्या, फिर क्या पानी सूख जाएगा 2 मिनट में, अब लोग क्या सोचेंगे क्या करके आया हूं, ये देख सारी शर्ट जींस, देख गर्मी हो रही थी, बस अभी पापा और मेरे को सीए के पास जाना है, कुछ काम है, पीतम बोला जा रहा हूँ, तो 2 घंटे लग जाएंगे तकरीबन आने पे, उसके बाद सिमरन शाम को शायद डिनर का प्रोग्राम बना रही है सोनू के साथ में, देखो तो जिस काम से आए थे वो फ्री हो गए, अब निकल रहे हैं यहाँ से ऑफिस की तरफ, ऑफिस जाके फिर देखते हैं क्या करना है, तो थोड़ा बहुत काम है वो निपटा के गुरुद्वारे होकर फिर घर जाएंगे, फिर डिनर का प्रोग्राम बन गया, आगे डिनर भी जाना है फिर हमें, तेरा कन्फर्म नहीं होता ना, तू आ रहा नहीं आ रहा, कल भी बोला मैं आ रहा हूँ आया नहीं, मैं निकल गया था, कल तूने बोला ना, ये मसाले वाला भैया, ले भाई तेरा मसाले वाला, ये मसाले वाला हां, तो वाह क्या बात है, जूस पीते हुए अपने सब्सक्राइबर मिले, वो देखते हो सारे चैनल बढ़िया, कल अभी फोटो देख लेना, ठीक है ना, हाथ शुक्रिया करो, चलो ओके चल भाई, ओके बाय। टाइम हो रहा है रात के 8:07, और टेम्परेचर देख रहे हो 42, मान सकते हो रात के टाइम पे भी इतना ज़्यादा टेम्परेचर, बुरा हाल है भाई साहब गर्मी का। मिले हैं द्वारका से आए हैं, बहुत अच्छा लगता है, सारे मिलते हैं, मतलब फैमिली मिलती है तो और ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत कमी है तो बता दो, बहुत करीब करीब कर रहे हैं, थैंक यू जी, तुझे इतना बोलता हूँ, ठीक है जी। तो अभी बस गुजारे थे मथा टेक के घर की तरफ जा रहे हैं, मम्मी यहीं आ गई थी, तो बस वहाँ पे सोनू वेट कर रहा है, 9 यहीं बज गए, डिनर पे जाना लेट काफ़ी हो गए हैं, अब देखो मैंने कहा पहुँच जाऊँगा 9:30 तक, उम्मीद करते हैं पहुँच ही जाएंगे, वो ट्रैफिक ना मिले तो क्या कर दूं? 10,000 दे दो। आपने बताया भाई साहब, मैंने आपके सामने सुबह रिकॉर्ड हुआ है, ऑफिस जाने से पहले मैं इसको बोल के गया था कि मेरा कवर ठीक कर देना, मैं 5-7 रुपए दे दूंगा, कह रही है कवर ठीक करेगा, 10,000 रुपए दे दो, बताओ यार बड़ी मेहनत लगी है, अनीशा से पूछा पूरा दिन गया, 10,000 रुपए किस चीज के दूं, 10,000 रुपए कोई चीज होती है, उसके अलावा भी खाना रोटी कपड़े जो संभालना सब कुछ था, वाह 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 वाह, सही बात कर रहे हो आप, कल मैंने पार्लर जाना है, दे दो चुप करके, कल पार्लर जाना है क्यों, क्यों मेरे बाल काले हो गए सारे, कितने बजे जा रहे हैं, मैं सोच रही हूं मैं जल्दी निकल जाऊं, आप लोग फिर लेट हो जाते हो, मैं जल्दी चली जाऊं, ठीक है, फिर ये दोनों जाएंगे रूबी के घर पे, डन, फिर मेरा मैं फ्री हो जाऊंगी, मुझे लग जाएंगे 3-4 hours लग जाएंगे, ठीक उसके है। बाद अनीशा आ जाएगी मेरे पास, किमरन भी आ जाए, इनको थोड़ा शॉपिंग करा दूंगी, ठीक है, फिर रात को आप फिर वहीं से हम 8 बजे तक फ्री हो जाएंगे, ठीक है, फिर किट्टी चले जाएंगे और किट्टी के बाद फिर, ठीक है, फिर ऐसे कर लेंगे कुछ, अभी तो अभी हम फिलहाल जो जा रहे हैं डिनर करने के लिए चाइनीज, है ना, टॉप बड़ा अच्छा लग रहा है आपका, नॉर्मल टी शर्ट पहन के आई हूं, अच्छा लग रहा है, वो तो बोलो मम्मी साथ यार होने, और भाई किमा क्या किया फिर आपने सारा दिन, आई लव यू सो मच होता ही है, और वो पीछे बैठी है, वो क्या कर रही है, बड़ा चमक रही है यार वो, तो मैं चमकती हूँ हमेशा, मुझे चमकती हीरोइन है तू,
कपड़े कहाँ से लिए वो पूछो ना पहले। कपड़े मेरे ही पहने होंगे, आधे कपड़े मेरे आधे कपड़े मामा, सारे कपड़े मेरे हैं सुनो मेरे, आधे आधे पापा, आधे पापा के भी होंगे। नहीं मेरे हैं, मेरी जैगिंग उठा के ले गई, मेरी शॉर्ट मैंने आज तक नहीं पहनी वो भी उठा के ले गई, अंदर अपना क्रॉप टॉप पहना ही है। ओवरसाइज शर्ट्स पहनने का बहुत शौक है क्रॉप टॉप के ऊपर, ओवरसाइज पूरा आउटफिट्स बना के पहनते हैं, मुझे बिना चेहरे पे पसंद नहीं है। डिजाइनर है क्या? डिजाइनर है नहीं, मेरी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, मुझे कहीं बाहर जाना पसंद नहीं बिना। मेरे सारे पिछले दिनों आई थिंक 15-20 दिनों में मेरे 5-6 टॉप हड़प चुकी है ये, और ये नहीं चलो शर्ट बोली ना ओवर साइज बकवास करी, टी शर्ट टॉमी हिल्फिगर की भी टी शर्ट उठा के ले गई। तो मेरी टी शर्ट तो पहनती है वो, तो आपकी घर पे पहनती ना, मेरी तो बकायदा धुलने के बाद सोचो मेरी 4XL साइज की टी शर्ट पहनती है वो, कितने दिखते हैं ओवर साइज कपड़े। बोलो ऑफिस में क्या करा? मैंने ऑफिस में काम किया। आप काम नहीं करते, बैठे रहते हो? हाँ तो मेरा बैठने का ही काम है ना बेटे, मेरा बैठने का काम है, बैठ के करता हूँ ना। नहीं बैठे नहीं, फोन देखते हो? अच्छा चलो, वाओ वेरी गुड। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा ये ट्रक यहाँ पे क्यों खड़ा किया हुआ है, कुछ है ही नहीं और कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है ये है, देख रहे हो? तेरे को समझ में आ रहा है कोई, ये पुलिस का ट्रक है ये एक्चुअल में, देखो अच्छा इसका इंजन इंजन भी नहीं है इसका, देखना इंजन निकाले खाली बॉडी बॉडी यहाँ खड़ी करके, पीछे एसी का यूनिट लगा हुआ है इसके, देख लो कैसे दिमाग लोग लगाते हैं, कबाड़ों को कैसे यूज करते हैं। तो अभी हम रेस्टोरेंट के बाहर आ चुके हैं और सोनू भी वेट कर रहा है रेस्टोरेंट में, एक्चुअली वेटिंग चल रही है थोड़ी बहुत, तो कह रहे हैं 10 मिनट बाहर वॉक करो। वॉक करोगे आप? तो सिमरन फोन पे बात कर रही है, निशा घूम रही है, तो देखो कितना टाइम लगता है, वेट कर ही रहे हैं अभी। तो गुड़गांव में पार्क के अंदर में खाना खाने आए थे भाई साहब, मिले कह रहे बहुत बड़े फैन है, फैन नहीं है भाई आपके? जी बिल्कुल सर। ये मन्नत से मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं है, मेरी कजन है कोटा से आई है, तो ये बैठे हुए हैं। मेरी बुआ की बेटी है, मेरी बुआ की बेटी मेरी कजन हुई, क्या हुआ है? फिर क्या काय की दीदी, हम दीदी बोलते हैं, एक्चुअली वो डैडी की सिस्टर है। हाँ तो फिर हाँ देखो आज 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 नया रिश्ते वाला है आप लोगों को, 17 साल हो गए। फिर तो फिर मैं सही बोल रहा हूँ, ऊपर से मुझे गलत कर रहा है, देखो नहीं नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे गलत कर रहा है। हाँ तो फिर बताओ वो बात अलग है। बुआ बोले कि तुम इज्जत करनी पड़ेगी। हाँ तो फिर आज नया रिश्ता पता लगा दो लोगों को। बुआ वाली नहीं आती है यहाँ पे चाची। यह निशा के चिली चिकन मोमो, वाह सबके हैं। चिली चिकन मोमो नहीं, नॉर्मल चिली चिकन मोमो। ना खाओ खाओ। चिकन के मोमो। तो ये है अपनी फुल मील। वो देख के मरने मोमो भी आ गए। बढ़िया खाना, बहुत यम्मी। तो आ रहे हो फिर मेरे घर पे? चलो आओ चलो आ जाओ चलो। आप रास्ते से मुझे फीस्ट खिलाओ। अरे रेडी रोक तो रही हो कहीं पे? कॉफी तू बना रहा है ना? पिला रहा पिना रहा हूँ, पिना रहा हूँ मैं कॉफी, पिना रहा हूँ याद रखना, ठीक है? पिना रहा हूँ ठीक है। हाँ भाभी अरे कॉफी पिना रहा हूँ चलो। तो जैसे आपने सुबह देखा आज के व्लॉग में कि सिमरन कुछ प्लानिंग कर रही थी, तो वो प्लानिंग डिस्क्लोज करने का टाइम आ गया है। प्लानिंग ये थी कि हम लोग बता देते हैं, बता देते हैं हम लोग अभी 3-4 दिनों में इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं एंड सब कुछ बुक हो चुका है एंड हम जा भी रहे हैं बस ये 3-4 दिनों में, और वो जगह जहाँ पे हम जा रहे हैं उसका नाम है दुबई। दुबई ठीक है ना, मेरे को दुबई सूझा क्योंकि मैं कहा दुबई आसपास बढ़िया अच्छी जगह है। एक्चुअली हम लोग कंफ्यूज थे सिंगापुर एंड दुबई, मैं कहा सिंगापुर वाला में बारिश बहुत है घूमने का, इसलिए वो ड्रॉप हुआ। फिर वो कहते हैं दुबई में गर्मी बहुत होगी, मैं कहा गर्मी की कोई टेंशन नहीं, दिल्ली में भी कौन सी कम गर्मी है, तो दुबई फाइनल करते हैं। और आप लोग भी बार बार बोलते हो कि बॉम्बे वाली फैमिली को लेके आओ, मामा जी को लेके आओ, ईशु गुरु सब आए, तो बॉम्बे वाले भी सारे के सारे आ रहे हैं, हम 14-15 लोग हैं,
तो वो बॉम्बे से आ रहे हैं, हम दिल्ली से जा रहे हैं और ये 3-4 दिन में बहुत मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया ब्लॉग बनने वाले हैं। और ये थैंक्स जाता है सब इशू को, बिकॉज इशू का प्लान था एक्चुअली सिंगापुर जाने का, बट हम प्लान कुछ और कर रहे थे, हमारा था मेरा यूएस का प्रोग्राम था, पर यूएस की टिकट बहुत महंगी आ रही थी तो कहीं ना कहीं तो जाना ही था, पर इशू बहुत पीछे पड़ा था। यू चलो 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 फाइनली फिर हमने सिंगापुर ना जाके हमने दुबई फाइनल कर दिया, तो सारा कुछ क्रेडिट इशू हो जाता है, सारा इशू नहीं बुक कराया। इनफैक्ट आज ही हुआ है लाइक शाम को, मतलब जो प्रॉपर 2 दिन से चालू थी रिसर्च एंड ऑल की क्या कैसे क्यों, तो आज फाइनल हो गया, तो हमने बोला चलो आपको डिस्क्लोज कर दे, तो बस 3-4 दिन में हम लोग निकल जाएंगे दुबई, उसके बाद इसीलिए ये रीजन था जो मैं बोल रही थी, मैं हेयर कलर कराने जा रही हूँ और वो शॉपिंग करना, ये रीजन था। दुबई जाओगे किम आप? हम दुबई जा रहे हैं, पता आपको? थर्सडे को हम दुबई जा रहे हैं, नहीं पता उसको बेचारे को।